नमस्कार दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में नरेंद्र मोदी का डंका बजाते बजाते भारत की गोदी मीडिया ने हमारे छात्रों के ऑस्ट्रेलिया में बैन की बात छिपा ली है। अब मैं आपसे एक सवाल करती हूं अगर चीन का राष्ट्रपति हमारे भारत आ जाए और किसी स्टेडियम में अपने नागरिकों को मतलब अपने लोगों को इकट्ठा करवाए उनको एक जगह पर बुलाकर भारत को यह बताए कि भारत में चीन का डंका बज रहा है तो बतौर भारतीय आप क्या सोचेंगे कि ये चीनी खाते भारत का है और डंका चीन का बजाते हैं गद्दार कहेंगे, सही सोचेंगे। ऐसे ही अगर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करे, करे और, तो और तुरंत तत्काल से पहले स्टेडियम गए मुसलमानों को गद्दार घोषित कर देंगे बाहर का प्रधानमंत्री हमारे देश में आकर अपने पैसों से सही, सही अपने लोगों को इकट्ठा करके अगर अपने देश की ताकत दिखाए तो आपको बतौर नागरिक अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। तो सोचिए कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर देश में अपने नागरिकों को इकट्ठा करके हर बार ऐसा करते हैं। क्या वहां के मूल निवासियों के मन में भारतीय छात्रों के लिए या भारतीय लोगों के लिए ये भावना पैदा नहीं होती होगी कि ये लोग खाते यहाँ का है कमाते हमारे देश से हैं

बिल्कुल होगा लेकिन आपको गोदी मीडिया सिर्फ डंका ही दिखाएगा आपको डंके की चोट से घायल हुए भारतीयों का दर्द बिल्कुल नहीं दिखाएगा इसीलिए आंखें खोलिए सच देखिए दोस्तों इधर दिखाया गया कि ऑस्ट्रेलिया में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है इधर दिखाया गया कि अमेरिका में मोदी के ऑटोग्राफ के लिए मारा-मार हो रही है मारा अमेरिका मोदी के ऑटोग्राफ के लिए तरस रहा है इधर दिखाया गया कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैरों में पड़ा था उधर दिखाया गया कि ऑस्ट्रेलिया में मोदी-मोदी हो रहा इधर दिखाया गया कि ऑस्ट्रेलिया में मोदी को देखने के लिए लोगों की आत्माएं कुल बुला रही है, मार तड़प है। इधर प्रधानमंत्री का जलवा दिखाया जा रहा है इधर आपको झूठा माया जाल दिखाया जा रहा था इधर बैंड बज रहा था उधर दूसरी तरफ इज्जत का बाजा बज रहा था मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ कड़वा है लेकिन सत्य है सौ सच है नरेंद्र मोदी का डंका पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया में बज भी नहीं पाया था कि उससे पहले ही ऑस्ट्रेलिया में भारत के पांच राज्यों के छात्रों के घुसने पर बैन लगा दिया गया है बकायदा ऑस्ट्रेलिया की कई यूनिवर्सिटीज ने कहा कि पंजाब हरियाणा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में घुसने ना दिया जाए यह देखिए लेटर दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि नरेंद्र मोदी के इस डंका बजाओ कार्यक्रम का लोगों को इकट्ठा करके अपना जलवा साबित करने का इस हट के आगे विदेशों में रह रहे भारतीयों को को इसकी आखिर क्या क्या कीमत चुकानी पड़ती है भारत के के पांच राज्यों स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में घुसने पर रोक लगा दी गई है आप इसे डंका बजना कहेंगे या डंका फूटना खुद बताइए ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज ने भारतीय छात्रों पर यह बैन ये कहकर लगा दिया कि भारत के इन राज्यों के छात्र पढ़ने आते हैं और नौकरी करने लगते हैं प्रधानमंत्री कुछ बोले ना बोले वो अपने काम भी करते हैं पढ़ते पढ़ते पार्ट टाइम नौकरी करना कोई गुनाह नहीं है और अगर हमारे उत्तर प्रदेश के छात्र हमारे हरियाणा के छात्र हमारे उत्तराखंड के छात्र हमारे जम्मू कश्मीर के छात्र पढ़ते हुए नौकरी करते हैं तो ये कोई गुनाह नहीं है भारतीय छात्र ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करते करते पैंतीस हजार करोड़ रुपए कमाते हैं यही बात ऑस्ट्रेलियन कट्टरपंथी लोगों को तब खटकने लगती है जब कोई ऑस्ट्रेलिया जाकर वहां के स्थानीय संगठनों को उकसाता है उनके देश जाकर अपना बेमतलब का डंका बजाता है ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर सिडनी मॉर्निंग हेरॉल्ड के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की दो बड़ी यूनिवर्सिटीज ने अपने एजुकेशन एजेंट्स को पिछले हफ्ते एक लेटर लिखा था इसमें पंजाब हरियाणा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर के छात्रों को दाखिला नहीं करने का निर्देश दिया गया था ऑस्ट्रेलिया का होम अफेयर डिपार्टमेंट कश्मीर समेत चार राज्यों के छात्रों की वीजा एप्लीकेशन लगातार खारिज कर रहा है पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया की चार यूनिवर्सिटीज ने भारतीय छात्रों पर आरोप लगाए थे की वो स्टूडेंट वीजा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं दो बड़े ऑस्ट्रेलियाई संस्थान विक्टोरिया में फेडरेशन यूनिवर्सिटी और न्यू साउथ वेल्स में वेस्टर्न इन सिडनी यूनिवर्सिटी ने भारतीय राज्यों से छात्रों की भर्ती पर रोक लगाने का फैसला फर्जी वीजा का आरोप लगाकर किया है